अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा कॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चार्जेस आर क्लोजली स्पेस्ड। यहाँ पर ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि चार्जेस जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो क्या है, चार्जेस जो है वो अलग अलग है, डिस्क्रीट है, लेकिन उनके बीच में स्पेस जो है, दो चार्जेस के बीच में जो स्पेस है, गैप है, वो बहुत कम है। तो वो बहुत क्लोजली प्लेस्ड है, बहुत साथ साथ ही वो रखे हुए हैं। तो इसको कहते हैं हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह की है। अमंग दैट फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास पास रखे हुए हैं और उनकी वजह से ऐसे लगता है जैसे वो एक लाइन में है। इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इट इज़ वन डायमेंशनल। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्लेन में चार्ज पार्टिकल्स जो है क्लोजली स्पेस्ड हैं और ये टू डायमेंशनल हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें क्लोजली पैक्ड चार्ज पार्टिकल्स जो हैं स्पेस में रखे हुए हैं और वो थ्री डायमेंशनल। अब हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि क्यू नॉट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास ये जो लाइन है ये शो कर रही है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस क्लोजली पैक्ड हैं, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमने एक छोटा सा एलिमेंट जो है डीएल ले लिया और उस डीएल एलिमेंट में, डीएल हियर इज रिप्रेजेंटिंग वेरी स्मॉल लेंथ, बहुत छोटी सी लेंथ है, और उस पे चार्ज जो है क्योंकि काफ़ी कम है इसको हम डीक्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो स्मॉल फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस डीक्यू एलिमेंट के बीच में और क्यू नॉट के बीच में, दैट इज गिवन बाय डीएफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू स्मॉल चार्ज डी क्यू ओवर आर स्क्वेयर, विद आर स्क्वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ दैट। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस होगी। इसको लेमडा से डिनोट करते हैं और लेमडा होता है चार्ज अपॉन लेंथ। इट इज इक्वल टू क्यू बाई एल और इट कैन बी इक्वल टू स्मॉल चार्जेस के लिए डी क्यू ओवर डी एल। यहाँ से डी क्यू जो है वो लेमडा डी एल हो जाए। तो इक्वेशन नंबर वन जो है वो हमारी कैसे आई है, जब हमने डी क्यू को रिप्लेस कर दिया लेमडा डी एल से, अब हमारा स्मॉल फोर्स बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट डी क्यू एंड क्यू नॉट जो है वो लेमडा डी एल की टर्म्स में आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लेमडा डी एल बाई आर स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है ये हमारा छोटे से एलिमेंट के बीच में और क्यू नॉट के बीच में है, सारी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में फोर्स क्यू नॉट के साथ कितना आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर वन को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द इंटायर लेंथ से एल। सो ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर वन वी विल गेट, उससे बाद हमें टोटल फोर्स पता चल जाएगा जो पूरे की पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में और क्यू नॉट के बीच में है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर ओवर द इंटायर लेंथ एल। अब हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं यूनिट्स और डायमेंशंस लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा के लिए। इसके लिए हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज के यूनिट हैं कूलम और लेंथ के हैं मीटर। तो यूनिट्स हुए लेमडा के, कूलम पर मीटर। डायमेंशंस के लिए हम दोबारा फॉर्मूला को देखते हैं। लेमडा इक्वल टू चार्ज की डायमेंशन होते हैं 80 और लेंथ का हो गया एल।
सो डायमेंशंस ऑफ लेमडा इक्वल टू, मास नहीं है, जीरो हो जाएगा, एल माइनस वन टी वन ए. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी. काफी कॉमनली ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम. नेक्स्ट हम लोगों ने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिया है और अब हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि इस सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास जो क्यू नॉट पॉइंट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने इस सरफेस में एक छोटी सी सरफेस डीएस को कंसीडर किया जिसका चार्ज जो है डी क्यू है. तो फर्स्ट हम डी क्यू और क्यू नॉट के बीच में फोर्स निकालेंगे कूलम्स लॉ की हेल्प से, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन है डी एफ स्मॉल फोर्स से, क्योंकि चार्ज एलिमेंट जो है हमारा वो बहुत छोटा है. डी क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. सिग्मा जो है इट इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया. डी क्यू स्मॉल चार्ज है, उसका एरिया डी एस है, तो यहां से हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस. ये इस वैल्यू को, डी क्यू की वैल्यू को हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट किया और हमारे पास अब जो चार्ज, जो फोर्स है बिटवीन डी क्यू एंड क्यू नॉट वो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर. अब हम लोग पूरी सरफेस जो है उसकी वजह से जो फोर्स क्यू नॉट एक्सपीरियंस कर रहा है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं. इसके लिए हम इक्वेशन नंबर वन है इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द सरफेस एस, और यहाँ से हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी, दैट इज F इज इक्वल टू, F इज द टोटल फोर्स बिकॉज ऑफ दिस सरफेस, इस पूरी सरफेस पे की वजह से जो क्यू नॉट एक्सपीरियंस कर रहा है. सो दैट इज गिवन बाई F, इट इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर S फॉर सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर. अब हम लोग यूनिट्स और डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के लिए. हम इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया. तो यूनिट जो है सिग्मा के वो क्या आएंगे, चार्ज के होते हैं कूलम और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर. सो इट इज कूलम मीटर माइनस टू. एंड डायमेंशंस ऑफ सिग्मा जो है हमारे वो कैसे आएंगे, चार्ज का डायमेंशन होते हैं 80 और एरिया के होते हैं एल स्क्वायर. तो सिग्मा के डायमेंशंस आए m0, एल माइनस टू, t1, a1. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा. अब हम लोग थर्ड स्टेप में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर कर रहे हैं. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे चार्जेस जो हैं वो एक वॉल्यूम वी में स्पेस में प्लेस्ड हैं, और क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है. हम क्यू नॉट में फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जितने भी इस स्पेस में, इस वॉल्यूम वी में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनके बीच में और क्यू नॉट पे कितना फोर्स है. उसके लिए हमने क्या किया, इस पूरे वॉल्यूम में से एक छोटा सा डी वी एलिमेंट चूज किया जिसका ऊपर जो चार्ज है वो बहुत छोटा चार्ज डी क्यू है. डी क्यू और क्यू नॉट के बीच के फोर्स के लिए हम लोगों ने कूलम्स लॉ की हेल्प ली. कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग डी एफ जो कि स्मॉल फोर्स है, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ देम. अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो बोलते हैं इसको डिफाइन कर रहे हैं. जो रो है दैट इज इक्वल टू चार्ज ओवर वॉल्यूम, क्योंकि चार्ज डी क्यू बाई है और वॉल्यूम डी वी है, तो डी क्यू हमारे पास रो डी वी आ गया. इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर डी क्यू की जगह पे पुट कर दिया, और अब हमारे पास जो है टोटल फोर्स निकालने के लिए हम इक्वेशन वन को इंटीग्रेट कर देंगे. इक्वेशन वन को इंटीग्रेट करने से इस पूरे वॉल्यूम की वजह से जो फोर्स है वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज एफ, इट इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर वॉल्यूम वी रो डी वी बाई आर. अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं यूनिट्स और डायमेंशंस
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के लिए, क्योंकि रो का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज के यूनिट्स हैं कूलम और वॉल्यूम के यूनिट हैं मीटर क्यूब, तो यूनिट्स रो के क्या आ जाएंगे, कूलम पर मीटर क्यूब और कूलम मीटर क्यूब इनवर्स। डायमेंशंस ऑफ रो चार्ज के होते हैं 80 डायमेंशंस और वॉल्यूम के हैं एल क्यूब। एम 0 हो जाएगा, एल माइनस 3, टी 1, ए 1, ये डायमेंशंस हो जाएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के।